डियर स्टूडेंट्स, एक नया टेस्ट सीरीज फिर से आज आप सबों के बीच है। हमारा ये मानना है कि अब आप जिस तैयारी के जिस स्टेज में हैं उसमें एक टेस्ट सीरीज आपको डेली बनाना चाहिए। हालांकि ये टाइम के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप वर्किंग क्लास से हैं, तो अल्टरनेट डे आप बनाएं, लेकिन एक टेस्ट सीरीज आपको बनाना चाहिए। 16 तारीख तक अल्टरनेट डे आप बनाएं अगर टाइम कम है, और अगर टाइम आपके पास है तो आप डेली एक टेस्ट सीरीज बनाएं। इसी से पता चलेगा कि आपका स्तर क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस में आप किस तरह से फंसते हैं या अच्छे से उसे हैंडल कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज बनाना चाहिए। मार्केट में तो अब काफ़ी सारे बुक्स एंड गाइड्स हैं, इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स हैं, जैसे कि अरिहंत है, स्पर्धा है, किरण है, ये सब हमें अच्छा लगा, और भी कई सारे हैं। अगर आप पटना आ सकते हैं या पटना में हैं तो आप बुक स्टॉल्स पर जाकर देख सकते हैं, अशोक राजपथ में और बीपीएससी के ऑफिस के गेट के पास ये सारे जो बुक्स के सेंटर्स हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि किरण का टफ है, तो देखिए प्रैक्टिस तो आपको टफ पे ही करना है। ये आप खुश ना हो जाए कि रेलवे और बिहार एसएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाकर आपने 120 हल कर लिए सही सही, तो इससे कुछ नहीं होना है। प्रश्न आपको 40% आसान प्रश्न रहेंगे रनिंग वाले, और 60% क्वेश्चंस आपके टफ ही होंगे। तो आपका प्रैक्टिस टफ पे होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि टफ बनाने पर मार्क्स जब कम आते हैं तो चिंताएँ बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ही है कि आपको अपने लेवल का के स्तर का की जांच करना। देखिए आज 20 क्वेश्चंस का ये एक शानदार सेट है, जो 81 नंबर जो एपिसोड था जिसमें वैदिक सभ्यता, सोलर सिस्टम ये सब था, उस पर बेस्ड है। इसमें हमारा कट ऑफ हमारी ओर से 14 और 15 है। आप 14 15 इसमें आपको करना चाहिए, उससे कम है तो जल्दी से बहुत जल्द आप गियर अप हो जाएं, रिवीजन बढ़ा लें, क्वेश्चंस के इस स्टैंडर्ड पे आपका 14 से 15 स्कोर होना चाहिए। चलिए आज के इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से है। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों को चुनिए जो श्रुति साहित्य कहलाते हैं। श्रुति का मतलब सुनना, लिसनिंग, सोचकर आपको आंसर करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य श्रुति साहित्य हैं, ये सुनकर लिखे गए हैं, जबकि बाद के वैदिक साहित्य ये स्मृति पर आधारित हैं, याद कर कर लिखे गए, जिनमें मनुस्मृति यानी स्मृति साहित्य, पुराण, सूत्र साहित्य जैसे वैदिक साहित्य हैं। आज का दूसरा प्रश्न, वैदिक सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार का प्रधान यानी हेड कौन क्या कहलाता था। सोचकर आपको आंसर देना चाहिए, और पांचवें ऑप्शन को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुलप, परिवार जिसे कुल भी कहते थे। तो परिवार यानी कुल, ग्राम, विश, जन और जनपद, जो बाद में जाकर महाजनपद बना। तो इस तरह से छोटी से बड़ी इकाइयों का निर्माण होता गया। आज का दूसरा तीसरा क्वेश्चन, वैदिक काल में चारों आश्रम यानी ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख कहां मिलता है। ऐसा माना गया था कि जीवन 100 वर्ष का है, 25-25 वर्ष बांटकर ये चार आश्रम यानी जीवन के चार काल विभाजित किए गए, तो ये कहां वर्णित है, एक्सप्लेन्ड है। आपको आराम से जवाब देना है, सोच कर जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाबालोक निषद में। आज का चौथा क्वेश्चन, वैदिक कालीन नदियों का सही सुमेल क्या है। आपको मैच करना है और बताना है कि सही कौन मैचिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4-2-3-1। अस्किनी यानी चिनाब और परोशनी का मतलब रावी, शतुद्री, सतलज, वितास्ता, झेलम। तो ये आपको आज ही याद कर लेना चाहिए, चूंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ग्रह यानी फॉसिल प्लैनेट कहलाता है। सोच लें, फॉसिल प्लैनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा यानी मून। जिस तरह से पृथ्वी पर करोड़ों साल तक जो कुछ जैसा है धरती के अंदर दबा रहता है फॉसिल्स के रूप में, उसी तरह से चंद्रमा पर भी क्लाइमेट बहुत तेजी से नहीं बदलता, जो कुछ जहां जैसा है ये करोड़ों साल तक उसी स्थिति में
दबा या रुका रहता है। आज का छठा क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा नियरेस्ट स्टार सन के बाद कौन है? यह भी रेगुलर क्वेश्चन है, बराबर दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सीमा सेंटरी। जिस तरह से सन हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सन है यानी सूर्य है, यह प्रोक्सीमा सेंटरी है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। आज का सातवां क्वेश्चन, सूर्य की असीमित ऊर्जा अनलिमिटेड एनर्जी का बेस क्या है, आधार क्या है? इसका आंसर आपको बनाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना। हाइड्रोजन के दो एटम जुड़कर हीलियम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इस रूपांतरण में इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। यही सूर्य की ऊर्जा का आधार होता है। आज का आठवां क्वेश्चन, मकड़ी मक्खी तिलचट्टा यानी कॉकरोच और फ्लाइज किस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है? एनिमल किंगडम से यह लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा, यानी इनका शरीर इस तरह से कुछ खास ढंग का बना हुआ होता है और इनके लेग्स जुड़े हुए होते हैं, तो ये दरअसल आर्थ्रोपोडा ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसका नवा क्वेश्चन, श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में बुक लंग्स किस जीव में पाया जाता है? यानी इनके सांस लेने का ये अंग है, एक खास तरह का इसकी संरचना है जो बुक लंग्स कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी बिच्छू। बुक लंग्स किताब में जिस तरह से पेजेस होते हैं, इसी तरह से इनके जो सांस लेने के जो ऑर्गन्स हैं इस तरह से बटे हुए होते हैं, जो छोटे छोटे छेदों से जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें बुक लंग्स कहते हैं, जो कि किताब की तरह पन्नों की तरह से बटे हुए होते हैं। दसवां प्रश्न, अंडे देने वाली अस्तनी यानी मैमल्स जो अंडे देती हो, आप जानते हैं कि मैमल्स बच्चे देती हैं, अंडे देने वाली मैमल्स डकबिल प्लैटिपस और चिटीखोर एकिडना किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेटाथीरिया। वैसे मैमल्स जो अंडे देते हैं, मेटाथीरिया तीन वर्ग में मैमल्स को मारते हैं, प्रोटोथीरिया जो अपरिपक्व इमैच्योर बच्चे देती हैं जैसे कंगारू, इन्हें मेटाथीरिया कहते हैं, जबकि यूथीरिया जैसे हाथी बिल्ली कुत्ता या मानव ये विकसित बच्चे देते हैं, इन्हें यूथीरिया कहते हैं। तो मैमल्स का ये तीन कैटेगराइजेशन है। 11वां प्रश्न, संविधान में आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकालीन उपबंध? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, चूंकि ये जर्मनी से लिया गया है। आप जानते हैं कि तीन तरह का इमरजेंसी हमारे संविधान में वर्णित है, 352, 356 और 360। तो इस तरह से आपातकालीन उपबंध। 12वां प्रश्न, पंचायती राज किस अनुसूची में शेड्यूल्ड में एक्सप्लेन्ड है, पंचायती राज अनुसूचियां आपको दी गई थी संविधान के स्रोत। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, चूंकि 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 13वां क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट इन डायमेंशन हम लोगों ने टॉपिक लिया था, उसमें कुछ चुने हुए यूनिट्स आपको करने हैं। ये एक दिन में याद नहीं होगा, कई दिन आपको रिवाइज करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। याद रखें कि ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का होता है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। तो यहां पर हो जाएगा सी, कैंडेला। आज का 14वां क्वेश्चन, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है? सोचकर आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, जबकि आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष 9.46 × 10^15 मीटर होता है, जबकि खगोलीय दूरी
एक जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एक AU बराबर 1.49 × 10^11 मीटर होता है। एंगस्ट्रम बहुत छोटा यूनिट है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर होता है, यानी बहुत छोटा यूनिट है। आज का 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुंह बंद करने वाला कानून गैगिंग एक्ट कहते हैं? गैग माने होता है मुंह दाब देना, चुप करा देना, कपड़े मुंह में डाल के चुप करा देना, गैगिंग एक्ट। हम लोगों ने समाचार पत्रों का इतिहास टॉपिक लिया था, मॉडर्न इंडिया में यह आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लीटन के टाइम में 1876 से 1880 इसका कार्यकाल है। इसके वक्त बहुत सारे राष्ट्रीय जो संदर्भ थे उसके विरुद्ध कार्य हुआ, देसी अखबारों के विरुद्ध। ये वर्नाकुलर मतलब होता है देसी, पूर्वी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। इस एक्ट में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, इसलिए इसे गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला कानून कहते हैं। याद रखें कि लीटन घोर साम्राज्यवादी था, जबकि रीपन सुधारवादी था। इसके बाद रीपन आया था लीटन के बाद। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत यानी पायनियर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं, फोर रनर ऑफ इंडियन प्रेस, पायनियर, अगुआ, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, अगुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। देखिए यहां पर ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफर दास पॉल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं, जबकि जेम्स ऑगस्टस हिकी को फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहला अखबार अंग्रेजी में बंगाल गजट निकाला था। उसके बाद जुगल किशोर ने 1826 में कानपुर से पहला हिंदी अखबार निकाला था, जुगल किशोर ने, उदंत मारतंड। तो ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। 17वां प्रश्न, बिहार में खनिज की, अब दो क्वेश्चन आपको बिहार के इसमें मिलेंगे, बिहार में खनिज की संकीर्ण पट्टी नैरो स्ट्रिप ऑफ मिनरल्स किस भाग में पाए जाते हैं? पट्टी, पट्टी कहते हैं एक लाइन से थोड़ी दूर तक लाइन खींची हुई हो, तो इसे हम पट्टी कहते हैं, स्ट्रिप। ये बिहार के किस भाग में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में। अगर आपने बिहार का भूगोल पढ़ा होगा, हमने एपिसोड भी इससे बनाया है, तो आपने देखा होगा कि जो कैमूर रोहतास का रीजन है ये दक्षिण पश्चिम में है, ये पठारों का रीजन है, इसलिए इसे नैरो स्ट्रिप ऑफ मिनरल्स कहते हैं। 18वां क्वेश्चन, बिहार में सोने का संभावित भंडार गोल्ड डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है? खुदाई अभी शुरू नहीं हुई है, भंडार के बारे में पता चला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जमुई मुंगेर जिले में। सोनोचकाई का जो रीजन है, झारखंड से लगा हुआ इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, यहां पर सोने के संभावित भंडार मिले हैं मुंगेर में भी। 19वां प्रश्न, सितंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? सोच का जवाब दें, महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू, 3 सितंबर 2018 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन, जिसका हेडिंग था, थीम था, इक्वालिटी बिगिंस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। आज का 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2018 में किस देश के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया? सोच का जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप और उसके बाद सुनामी आया था, जिसके लिए भारत ने बड़ा सहायता अभियान चलाया था। तो बस आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे। देखिए, इस सेट से आपको ये सीख मिल सकती है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना या जो बन भी गया, तो उस क्वेश्चन के टॉपिक्स में किस तरह से आपको टॉपिक्स के जो सारे पार्ट्स हैं उसे आपको करना, कवर करना है। तो ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस जब आप बनाते हैं तो उससे कंसर्निंग जो टॉपिक है उसे आप कर लें। जैसे देखिए, एनिमल किंगडम पे क्वेश्चन है, तो इससे आपको पता चलेगा कि एनिमल किंगडम पे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और क्या आपको पढ़ना था।
वैदिक में हमने काफ़ी क्वेश्चन का जो है कलेक्शन प्रयास किया कि अच्छे क्वेश्चन आ जाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से रिवर्स हैं, नदियां हैं और भी दूसरे सेक्शंस हैं, उसे आपको पढ़ना चाहिए था। तो यहीं पे आपसे विदा लेंगे, अपना ध्यान रखें, रिवीजन मैक्सिमम बढ़ा कर रखें, क्योंकि रिवीजन जितना आप करेंगे कन्फ्यूज़न उतना कम होगा। अपना ध्यान रखें, हमें इजाज़त दें, टेक केयर।